Students, welcome to my new channel. That's name is Super Education City. So Super Education City एक study related channel है और इस channel में मैं classes 5th to 9th classes को पढ़ाऊँगी. So start करते हैं. सबसे पहले मैं class 5th से start करना चाहूँगी. Class 5th को आज मैं SST का chapter 1 पढ़ाऊँगी जिसका नाम है Our Earth, हमारी अर्थ. SST का ये chapter 1 है. इसका ये पार्ट वन है. पार्ट वन में थोड़ा कवर होगा, पार्ट टू में आगे का कवर होगा. दो पार्ट बनाऊंगी मैं इस चैप्टर के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ क्या है. अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है पूरे सोलर सिस्टम में. अभी मार्स पे भी देखा जा रहा है लाइफ है या नहीं, बट अभी तक तो अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है. जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो कवर्ड है 71% ऑफ वाटर से. जो अर्थ का ये सरफेस है, ये 71% वाटर है अर्थ के सरफेस पे और सिर्फ 29% लैंड है. ओनली 29% लैंड एंड 71% वाटर. सो हम कितने कम एरिया में रह रहे हैं आप सोच सकते हैं. जो लार्ज लैंड मासेज हैं, जो लैंड हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कह देते हैं. और जो ये वाटर से कवर सरफेस है उनको हम वाटर बॉडीज कह देते हैं. और ये वाटर बॉडीज बनती हैं ओशन से, बेज से, गल्फ से और बहुत सारी चीज़ों से. ये वाटर बॉडीज बनती हैं, सीज को मिला के वाटर बॉडीज बनती हैं, ऐसे ये बनती हैं. सो अर्थ इस वजह से एक यूनिक प्लैनेट है. इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका 71% वाटर से कवर है. आगे बढ़ते हैं. सो आता है कॉन्टिनेंट्स. अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं. मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट्स क्या है, कि जो अर्थ है उस पे जो लैंड मासेस है, ये 29% ऑफ जो लैंड मास है इसको हम कॉन्टिनेंट कह देते हैं. तो हमारे पास कुल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. इनमें आते हैं, सबसे पहले एशिया आता है. एशिया सबसे बड़ा है. अफ्रीका उससे छोटा है एशिया से. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. मैंने ये लाइन वाइज लगा रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. एशिया फर्स्ट नंबर पे, अफ्रीका सेकेंड, नॉर्थ अमेरिका थर्ड, साउथ अमेरिका फोर्थ, अंटार्कटिका फिफ्थ, यूरोप सिक्स्थ एंड ऑस्ट्रेलिया सेवेंथ. ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा है और एशिया हमारा सबसे बड़ा है. अब इस पार्ट में हम एशिया और अफ्रीका के बारे में जानेंगे. देन जो आपका सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं आप सबको बताऊंगी इन बाकी के कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशंस के बारे में. सो आगे बढ़ते हैं. एशिया के बारे में जानना शुरू करते हैं. जैसे कि हम एशिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एशिया की. जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. एज वेल एज हम कह सकते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया. सारे कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, साउदर्न हेमिस्फीयर में, सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा एशिया है. इस एशिया के पास, एशिया के आसपास बहुत, एशिया के चारों तरफ आप कह दीजिए पैसिफिक ओशन है. एशिया के तरफ ईस्ट में, अगर हम जिसे मान लीजिए ये एशिया है आपका, तो ये जो इसकी ईस्ट है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है इस तरफ. और आर्कटिक ओशन है इसके नॉर्थ में, ये इसका नॉर्थ है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है. देन इंडियन ओशन है इसके साउथ में और ये इसका साउथ है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, आप ये कह सकते हैं. इसमें इसके पास हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ पे, मतलब एशिया में हाईएस्ट पॉइंट है जो है माउंट एवरेस्ट. एशिया में नेपाल भी आता है, वहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, तो वो भी एशिया में ही आता है. और सबसे छोटा पॉइंट पूरे वर्ल्ड का, सबसे छोटा पॉइंट जो है डेड सी. डेड सी पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा पॉइंट है. वो इतनी नीचे है ज़मीन में, उतना नीचे कोई सा भी सी भी कुछ नहीं है. डेड सी ही सबसे नीचे है पूरी ज़मीन में. जॉर्डन में ये वर्ल्ड का सबसे छोटा पॉइंट है और ये भी एशिया में ही आता है. डेड सी वैसे तो जॉर्डन में है, ओके. और एशिया के पास वर्ल्ड की टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी हैं जिनका नाम है चाइना और इंडिया. हम सब जानते हैं चाइना और इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं और ये दो कंट्रीज भी एशिया में ही आती हैं. एशिया में हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है.
पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट जिसका नाम है थार डेजर्ट, और कोल्डेस्ट डेजर्ट जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, ये भी एशिया में ही आते हैं। ओके, सो एशिया इस वजह से बहुत बड़ी कंट्री है, इसके पास ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, पूरे आप कह सकते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स में ये सबसे बड़ी है और इसके पास सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन है। देखिए सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गई है ये, इसके पास पैसिफिक ओशन है, इसमें आर्कटिक ओशन इसके साइड में आते हैं, ये सब आते हैं। हाईएस्ट पॉइंट इसके पास है, लोवेस्ट पॉइंट इसमें है, इसके पास वर्ल्ड की टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, इसके पास वर्ल्ड के हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट डेजर्ट्स हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें एशिया में आती हैं। और मैं आपको बता देती हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 195 कंट्रीज़ हैं। एशिया में 195 कंट्रीज़ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं इस टाइम प्रेजेंट में, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ती हूँ मैं, आगे आता है, मैं अफ्रीका के बारे में भी आपको अभी बता देती हूँ। अफ्रीका भी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बट इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सेकेंड नंबर पे रह गया है बेचारा। ओके, सो अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका के बारे में आता है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इसके पास भी कम चीज़ें नहीं है, इसके पास तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर इसके इससे पास होके जाते हैं, इक्वेटर इसके मिडल में से पास होके जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके नॉर्थ पार्ट में से पास होके जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके साउथ पार्ट में से पास होके जाता है। ये सराउंड है वाटर से सारी साइड्स में, सारी साइड्स जो हैं इसकी, जैसे जस्ट यू इमेजिन दैट दिस इज योर अफ्रीका, सो इसकी ये साइड जो हो गई और ये साइड जो हो गई और ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, फोर साइड्स होती हैं, तो ये चारों साइड इसकी वाटर से सराउंडेड है, यहाँ हर जगह वाटर ही वाटर है। ओके, जैसे इसके मेडिटेरियन सी जो है नॉर्थ में है, या नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, देन ईस्ट में है इसके इंडियन ओशन, यहाँ पे ईस्ट में इसके इंडियन ओशन है। ओके, और अटलांटिक ओशन वेस्ट में है, यहाँ वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, और साउदर्न ओशन इसके साउथ में है, यहाँ पे साउदर्न ओशन आता है इसके। ये एशिया से कनेक्टेड है, एशिया इस तरफ है, ओके, एशिया इस तरफ है, तो ये एशिया से कनेक्टेड है एक छोटी सी, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड इसको एशिया से कनेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इसको एशिया से कनेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं तो आता है जो ये कॉन्टिनेंट है, इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर घने जंगल से भरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट, इसमें सारी तरफ घने जंगल ही दिखे जाते हैं, तो ज़मीन पे धूप बहुत कम आती है, जहाँ जंगल नहीं होते वहाँ ही धूप आती है, इस वजह से इसका नाम डार्क कॉन्टिनेंट भी रख दिया गया है। जो एशिया है, जो ये अफ्रीका है, इसके पास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये ए बन गया, यहाँ ओ आना था, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी अफ्रीका में ही आती है जिसका नाम है नाइल, हम सब जानते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, और वर्ल्ड का बिगेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी यहाँ पे ही आता है। सॉरी मैं लिख नहीं पाई, बट आप सब याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी यहाँ पे ही आता है। तो जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है और हॉटेस्ट डेजर्ट है वो अफ्रीका में आता है, बट वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में आता है और कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट एशिया में आता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सो अब मैं आप सबको बाय कह देती हूँ, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।